सो हे गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस, आज जो पीछे जगह है ना, उससे मेरे बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बिकॉज ये है वो सरकारी स्कूल जिससे मैं पढ़ा हूँ। पाँचवीं छठवीं कक्षा तक मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। और ये देखो भाई, कितना अच्छा लगता है जब हम बचपन की जगह पर जाते हैं, सोचते हैं भाई कि पहले हम यहाँ पर खेला करते थे, वो होते थे साथ में, वो होते थे, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, अभी दिखाऊंगा आपको पूरा स्कूल अपनी ब्लॉग में, और आज की ब्लॉग हमारे इस प्यारे से स्कूल पे होगी। और ये सरकारी स्कूल है, बता दूँ आप लोगों को, प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। बिकॉज तो गाइस, ये जो था ना, उस टाइम पे मतलब कक्षा नौवीं का रूम था, और ये इसमें मेरी दीदी पढ़ा करती थी, और इसमें एक बार मैं जिद करके आया था, मतलब मैं पढ़ता था यहाँ पे गाइस, ये जो वाली जगह है ना, यहाँ पर पढ़ता था मैं। और मान लो भाई, बारिश के टाइम में बिल्कुल पानी भर जाता था, अभी देख सकते हो आप नीचा है, ये नीचा हो रखा है ना, पानी भर जाता था बारिश के टाइम में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी गाइस। और इस वाले में मैं आपको बता दूँ गाइस कि मेरी मम्मी ना इसमें कुक है, मतलब इस स्कूल में खाना बनाती है मेरी मम्मी। तो इस कमरे में मेरी मम्मी खाना बनाया करती थी। और अब तो काफ़ी सुविधा हो गई, वॉशरूम भी हो गया अब तो काफ़ी ठीक है। और ये हेड ऑफिस है, ये जो देख रहे हो आप, ये हेड ऑफिस है। और एक बार ये चेक करो, ये अच्छा लग रहा है। पहले बहुत छोटा था मैं, ऐसे लटकने की कोशिश करता था इससे चढ़ने के ऊपर, बट चढ़ ही नहीं पाता था। आप देखो तो ये कुछ अभी तो काम चल रहा है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो ये पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पे मैट नहीं होती, मैट उसे बिछा के बैठते थे गाइस, बहुत अच्छा लगता था। और ये झूले वूले सब अभी लगे हैं, बाकी पहले नहीं थे ये देखो, सब अभी लगे हैं ये झूले। और इसमें है सारे बच्चों के खिलौने इस वाले रूम में। और उसमें मैं पढ़ा करता नर्सरी, पहले इस क्लास में था सबसे, मतलब जो LKG UKG मेरे को नहीं पता कौन सी है, फिर इसमें आया था मैं, कहाँ गई उस वाली में, हाँ उस वाली में आया था। इस वाले रूम में मैं और यू भी मतलब खेला करते थे बचपन में। और मुझे अभी भी याद है कि हम यहाँ से कुछ खिलौने चुरा के भी ले गए थे, तो यार उन पर हमारा दिल आ गया था, माने नहीं कि चल ले लेते हैं। गाइस, सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये थी कि मतलब 12 बजे मतलब सुबह आते थे और खिचड़ी खा के यहाँ से भग जाते थे। और जब ये गेट वेट कुछ भी नहीं था, दीवार भी टूटी फूटी पड़ी थी, गेट भी अभी लगे। और भाई आज तक मुझे याद है गाइस, आज तक मुझे याद है कि इसी मल ने मेरी ये वाली उंगली इतनी गंदी तरीके से पीछी थी, मैं बहुत रोया था यार। और पीछी कहाँ थी मैं बताता हूँ, देखो ये नहीं है, ये जो इसके नीचे है, ये जो इसके नीचे है ना, इसके नीचे आ गया था मेरा हाथ यहाँ पे। और भाई मुझे बहुत दर्द हुआ था, पर कोई नहीं, अब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि मैं गांव में ही रहूँगा, मैं नहीं जा रहा यार, बिकॉज यहाँ से अच्छी मौज कहीं भी नहीं है, पढ़ना लिखना सब यहीं पे होगा अब। और ये झूले वूले देख रहे हो ना गाइस, ये जो पेड़ देख रहे हो ना, सबसे मेन चीज़ है ये जो पेड़ है ना, ये मेरे दीदी के लगे हुए हैं, दीदी के हाथ के, मतलब सब बच्चों ने मिल के लगाए थे ये दो पेड़। मैंने गाँव में तो कहते हैं लपटेरिया, बट आपके यहाँ पर पता नहीं क्या कहते होंगे, ये देखो आपके यहाँ पर पता नहीं क्या कहते होंगे। और ये झूले भी अभी लगे हैं गाइस, ये देखो ये झूले भी अभी लगे हैं, हम थे जब नहीं लगाए। हाँ, इस वाली क्लास में सारे बच्चे हुड़दम किया करते थे गाइस, भाई बहुत ज़्यादा मज़े आते। एक बार ये चेक करो गाइस, इतनी बड़ी मतलब जो गैलरी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, क्या करते होंगे बच्चे, सरकारी स्कूल है, सिंपल सी बात है, क्रिकेट खेलते हैं गाइस शाम को यहाँ पे। ये देखो बना रखी हैं गिल्ली विल्ली, मस्त यहीं पर क्रिकेट खेलते रहते हैं। सो देखेंगे भाई, और एक खोद दिया है पूरा, बैट मार मार के देखो। बाकी गाइस, कमेंट में बताना आपको स्कूल कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अभी ये नहीं कहूँगा कि हम जा रहे हैं, अभी दोस्त निकले ही हैं मेरे, तो चलते हैं फिलहाल। और मतलब यहाँ पर आके यार काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पर जो टीचर थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बस मैं किसी भी बार मतलब रो भी जाता था तो चुप करवाती थी भाई, पढ़ाती भी अच्छा थी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ की खिचड़ी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, किसी दिन खाने आऊँगा अभी भी। और ये भोजन का कुछ लिख रहा है, इसे देख लेना, मतलब सोमवार को सब्जी रोटी, मंगलवार को चावल दाल,
बुधवार को सब कुछ यहाँ पर लिख रहा है गाइस, किसी को खाना हो तो आ जाना है शनिवार को, ठीक है, तो किसी को खाना हो तो आ जाना है, ऐसे श्लोक लिख रहे हैं। ऐसे ये इसके आगे भी है ये। क्लास में मेरे दोस्त की मतलब मम्मी जो है यूवी की मॉम वो पढ़ाती हैं गाइस, अभी भी पढ़ाती हैं। सोचो एक सरकारी टीचर है और यू साइज से वॉशरूम है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा बनाया है सरकार। जितनी मतलब फैसिलिटी दे रही है अभी, मतलब जितनी सुविधाएं दे रही है मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ठीक है। बिकॉज हमारे ज़माने में ना, जमाना तो नहीं बट हमारे टाइम में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, बस यही स्कूल था, उसके अलावा कुछ नहीं, वॉशरूम वॉशरूम कुछ नहीं। तो फिर भी काफ़ी ठीक ठाक हो गया है। सो थैंक यू मोदी जी, सॉरी योगी जी, सॉरी सॉरी भूल गया। और झूला वूला लगा दिया, बट हटा इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे लड़ाई करते हैं, तो उस वजह से हटा दिया है। सही भी है, कहीं तक किसी को चोट वोट लग जाए तो ठीक ही नहीं होता ना। अब तो इस कमरे में टाइल लगी है गाइस, ये देखो टाइल लगी है इस कमरे में जिसमें हम खेला करते थे बचपन में। तो अभी चलते हैं। सो गाइस फिलहाल चलते हैं घर, बिकॉज अपन को यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है और लेट भी काफ़ी हो गए हैं। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, कमेंट ज़रूर करना कि स्कूल कैसा लगा। ये सब वीडियो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो लाइक करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।